हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का वेपर कंप्रेशन सिस्टम देखने वाले हैं। वेपर कंप्रेशन सिस्टम यानी कि वाष्प संपीड़न निकाय, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में VCS भी बोलते हैं। यह लगभग रिवर्स रैंकाइन साइकिल जैसा होता है, यानी कि रिवर्स रैंकाइन साइकिल जैसा ही होता है, यानी कि रैंकाइन साइकिल का उल्टा। उल्टा का मतलब ये होता है कि रैंकाइन साइकिल हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, तो वेपर कंप्रेसर सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। इसमें भी चार प्रोसेस होते हैं। जैसे रैंकाइन साइकिल में हम लोग जानते हैं कि चार प्रोसेस होते हैं, वैसे ठीक वेपर कंप्रेशन सिस्टम में भी चार प्रोसेस होते हैं। अंतर केवल इतना आता है कि रैंकाइन साइकिल में आइसेंथैल्पिक प्रोसेस नहीं होता है, इसके स्थान पर वहाँ पर होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस, और बाकी के तीन प्रोसेस सेम होते हैं, यानी कि दो आइसोबैरिक प्रोसेस, एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। यानी कि VCS में हमारे चार प्रोसेस होते हैं, दो आइसोबैरिक प्रोसेस, एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस भी कहते हैं। अब इसका हम लोग TS डायग्राम देखें, तो TS डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार बनता है। इसमें प्रोसेस एक से दो हमारा क्या होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या एडियाबैटिक प्रोसेस। दो से तीन होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। तीन से चार होता है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। चार से एक पुनः होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। इसमें देखें तो ये जो हमारा कर्व दिख रहा है, इस कर्व को हम बोलते हैं डोम, DOMB, डोम। और इस कर्व में जो सबसे ऊपर यानी कि एकदम पीक पॉइंट होता है, उस पीक पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट से जो बाएं तरफ की लाइन होती है उसको हम लोग सेचुरेटेड लिक्विड लाइन बोलते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट से जो दाएं तरफ लाइन होती है उसको हम लोग सेचुरेटेड वेपर लाइन बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर जो कोई रेफ्रिजरेंट इस बाएं वाली लाइन पे टच करेगा, तो यानी कि वहाँ पर उसकी जो अवस्था होगी वो सेचुरेटेड लिक्विड की होगी, और अगर जो कोई रेफ्रिजरेंट इस दाएं वाली लाइन को टच करेगा तो उसकी अवस्था सेचुरेटेड वेपर होगी। इस लाइन के दाहिने तरफ जो रेफ्रिजरेंट होता है वो सुपर हीटेड स्टेट में होता है, सुपर हीटेड स्टेट यानी कि अति तप्त अवस्था में होता है, और यदि कोई रेफ्रिजरेंट इन दोनों लाइनों के बीच में है तो वहाँ पर रेफ्रिजरेंट दो अवस्था में पाया जाता है, यानी कि पॉइंट चार पर रेफ्रिजरेंट हमारा दो अवस्था में पाया जाएगा, एक लिक्विड रहेगा और दूसरा वेपर, यानी कि यहाँ पर हमारा रेफ्रिजरेंट दो फॉर्म में रहेगा, लिक्विड में भी रहेगा और वेपर में होगा। इसी प्रकार इसका हम PV डायग्राम देखें तो कुछ इस प्रकार बनता है। उसके बाद अगर जो हम देखें आगे इसका PH डायग्राम, तो PH डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार बनता है। इसमें भी वही प्रोसेस, एक से दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, दो से तीन आइसोबैरिक, तीन से चार आइसेंथैल्पिक और चार से एक आइसोबैरिक प्रोसेस। P होता है प्रेशर, H होता है एंथैल्पी, S फॉर एंट्रोपी, T फॉर टेम्परेचर, V फॉर वॉल्यूम। इसके कंपोनेंट्स को देखें तो कंपोनेंट्स हमारे कुछ इस प्रकार लगे होते हैं, जिसमें एक होता है ई वेपोरेटर। ई वेपोरेटर कहाँ पर लगा होता है, प्रोसेस चार और एक के बीच में। दूसरा होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर कहाँ पर लगा होता है, कंप्रेसर प्रोसेस एक से दो के बीच में लगा होता है। उसके बाद होता है कंडेंसर। कंडेंसर प्रोसेस दो से तीन के बीच के लगा होता है। और चौथा होता है हमारा एक्सपेंशन वाल्व, या इसी को बोलते हैं थ्रॉटलिंग वाल्व, ये हमारा प्रोसेस तीन से चार के बीच लगा होता है। कंप्रेसर को हम लोग समझते हैं। कंप्रेसर क्या काम करता है, कोई भी रेफ्रिजरेंट या कोई भी पदार्थ अगर जो गैसीय अवस्था में है उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है कंप्रेसर। कंप्रेसर एक से दो लगा हुआ, अभी हम लोग देखे हैं कि प्रोसेस एक से दो के बीच कौन सा प्रोसेस होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, यानी कि कंप्रेसर हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस पे काम करता है। दो से तीन कंडेंसर। कंडेंसर क्या काम करता है, जब कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट आता है हमारा यानी कि पॉइंट दो पर, पॉइंट दो का मतलब यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट होगा वो सेचुरेट सुपर हीटेड वेपर के रूप में रहेगा,
सुपर हीटर यानी कि अति तप्त वाष्प के रूप में कंडेंसर को प्राप्त हो। इस समय रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बहुत हाई होता है। जब आता है एक कंडेंसर में तो कंडेंसर के दौरान उसकी हीट निकाल करके एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जबकि प्रेशर वही का वही बना रहता है। यानी कि जब 0.3 पर हमारा रेफ्रिजरेंट पहुंचता है, यानी कि इस पॉइंट पर पहुँचा है, इस पॉइंट का मतलब सेचुरेटेड लिक्विड पर, यानी कि 0.3 पर जो रेफ्रिजरेंट की अवस्था होगी वो कौन सी होगी, सेचुरेटेड लिक्विड की। उसके बाद आता है एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व हमारा थ्रॉटलिंग प्रोसेस पर आधारित होता है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है, इस दौरान ना तो हीट एटमॉस्फेयर से सिस्टम के अंदर आएगी, ना ही सिस्टम से एटमॉस्फेयर में जाएगी, ना ही हमको कार्य देना पड़ता है और ना ही कार्य हमको मिलता है। यानी कि 3 से 4 के दौरान केवल इतना ही काम होता है कि रेफ्रिजरेंट जो कि सेचुरेटेड लिक्विड अवस्था में एक्सपेंशन वाल्व से गुजरता है तो वहाँ पर अब इसकी अवस्था क्या हो जा रही है, 0.4 पर पहुँच जा रही है, यानी कि लिक्विड और वेपर दोनों फॉर्म में प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि 4 पर हमारे रेफ्रिजरेंट लिक्विड और वेपर दोनों फॉर्म में प्राप्त होता है, दोनों रूपों में होता है। उसके बाद आता है ई वेपोरेटर के अंदर। ई वेपोरेटर के अंदर कुछ इस प्रकार कॉयल लगी होती है जिसमें हमारे रेफ्रिजरेंट रन करता है। ये वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्राप्त करना होता है, वहीं पर हम ले जा करके ई वेपोरेटर को लगा देते हैं। यहाँ पर जहाँ अगर जो इसको हम रूम में लगा रहे हैं या कहीं पर भी, तो वहाँ से जो एयर होती है उसको हम पास कराते हैं इस रेफ्रिजरेशन जो यहाँ इवेपोरेटर में कॉइल लगा होता है, उस इवेपोरेटर कॉइल से पास कराते हैं हम एयर को। क्योंकि एयर का टेम्परेचर अधिक है और जो इस इवेपोरेटर कॉइल में हमारा रेफ्रिजरेंट है वो बहुत ही कम तापमान पर होता है, जिससे एयर के तापमान को यानी एयर की ऊष्मा को रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे इस रेफ्रिजरेंट का तापमान बढ़ जाता है और वो सेचुरेटेड वेपर के फॉर्म में आ जाता है 0.1 पर, सेचुरेटेड वेपर के फॉर्म, और जो एयर होती है रूम की वो ठंडी हो जाती है, जिससे हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्राप्त होता है। जितना हीट इस इवेपोरेटर में ऐड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। उसके बाद जो हीट हमारा कंडेंसर से बाहर निकाली जाती है उसको हम बोलते हैं QR, यानी कि क्यू रिजेक्शन, यानी कि जो हीट बाहर निकाली जा रही है। अब इसी प्रोसेस को यहाँ पर लिखा गया है प्रोसेस 102 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कंप्रेशन। कंप्रेशन क्यों, क्योंकि कंप्रेसर लगा हुआ है जो कि कंप्रेस करता है रेफ्रिजरेंट को, जिससे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ता है। दूसरा है 2 से 3 रिवर्सिबल आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन कहाँ हो रहा है, हमारा कंडेंसर के अंदर हीट रिजेक्शन, यानी कि हीट बाहर निकाली जा रही है जो कि आइसोबैरिक प्रोसेस पर होता है। प्रोसेस 3 से 4 रिवर्सिबल आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है क्यों, क्योंकि 0.3 पर जो रेफ्रिजरेंट था हमारा केवल सेचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में था, अब 0.4 पर जो रेफ्रिजरेंट होता है वो लिक्विड और वेपर दोनों पर होता है, यानी कि यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का एक्सपेंशन हुआ है जो कि होता है किसमें, एक्सपेंशन वाल्व में। ये आइसेंथैल्पिक होता है, आइसेंथैल्पिक मतलब इसमें एंथैल्पी समान होती है, यानी कि 0.3 और 0.4 पर जो एंथैल्पी होगी वो समान होगी। प्रोसेस 4 से 1 रिवर्सिबल आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन, यानी कि जो प्रोसेस होगा वो आइसोबैरिक प्रोसेस रहेगा। हीट एडिशन, हीट को ऐड किया जा रहा है, कहाँ पर ऐड होता है, इवेपोरेटर में हीट ऐड होती है, जिसको हम लोग लिख रहे हैं QAD, यानी कि क्यू एडिशन, हीट एडिशन, जिसको हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। अवस्था की बात करें तो अवस्था 0.1 को हम लोग लिखे हैं, यानी कि स्टेट 1 क्या होता है, सेचुरेटेड वेपर होता है, संतृप्त वाष्प। स्टेट 2 सुपर हीटेड वेपर, यहाँ पर अवस्था क्या होती है, सुपर हीटेड वेपर। जब इस दाहिने तरफ की लाइन से हमारा रेफ्रिजरेंट और अधिक दाहिने तरफ बढ़ेगा तो वो सुपर हीटेड स्टेट में पहुँच जाता है, इसलिए 0.2 पर अवस्था क्या होगी रेफ्रिजरेंट की, सुपर हीटेड वेपर यानी अति तप्त वाष्प। स्टेट 3 को देखते हैं, स्टेट 3 सेचुरेटेड लिक्विड यानी कि संतृप्त द्रव, संतृप्त द्रव 0.3 पर। इस तरफ की लाइन क्या होती है, हमारी सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, यानी कि यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट होगा वो किस अवस्था में होगा, सेचुरेटेड लिक्विड अवस्था में। स्टेट 4 को देखते हैं, स्टेट 4 हमारा कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यानी कि
इस डोम्ब के बीच में है। डोम्ब के बीच में जो रहेगा तो जो रेफ्रिजरेंट रहता है वो हमारी दो अवस्थाओं में पाया जाता है, लिक्विड और वेपर दोनों में, यानी कि स्टेट चार पर जो अवस्था होती है लिक्विड और वेपर दोनों का मिक्सचर होता है। आगे देखते हैं, कंप्रेसर को। कंप्रेसर क्या काम करता है, ये प्रोसेस एक से दो लगा होता है, ये क्या काम कर रहा है, सेचुरेटेड वेपर यानी संतृप्त वाष्प लो प्रेशर पर कंप्रेसर के द्वारा कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेसर को रेफ्रिजरेंट कहाँ से मिलता है, इवेपोरेटर से, जब बाहर निकलता है तो आता है किसमें, कंप्रेसर में, उस समय उसका प्रेशर बहुत कम रहता है। कंप्रेसर में जब आता है तो कंप्रेसर के द्वारा उसको कंप्रेस करके उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ा दिया जाता है, इससे प्रेशर तथा टेम्परेचर दोनों बढ़ता है और रेफ्रिजरेंट सुपर हीटेड स्टेट में पहुंच जाता है 0.2 पर, यानी स्टेट टू पर जो रेफ्रिजरेंट की अवस्था होती है वो सुपर हीटेड होती है। अब कंप्रेसर को दिया गया अगर जो कार्य हमको निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं डब्ल्यू सी, यानी कि कंप्रेसर को दिया गया कार्य H2 - H1, जहाँ H2 मतलब अवस्था दो पर एंथैल्पी, रेफ्रिजरेंट की अवस्था दो पर एंथैल्पी, H1 का मतलब रेफ्रिजरेंट की अवस्था एक पर एंथैल्पी, यानी अवस्था दो की एंथैल्पी माइनस अवस्था एक की एंथैल्पी। उसके बाद आता है कंडेंसर। कंडेंसर क्या काम करता है, ये प्रोसेस दो से तीन के बीच लगा होता है, ये हाई टेम्परेचर के सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट से उसमें ऊर्जा वायुमंडल में निकाल देता है, निकाली जाती है। यह प्रक्रिया आइसोबैरिक होती है। पहले सेंसिबल कूलिंग होती है, सेंसिबल कूलिंग का मतलब इस दौरान जब कूलिंग होगा तो वहाँ पर उसका टेम्परेचर भी कम होगा, जिससे रेफ्रिजरेंट सेचुरेटेड टेम्परेचर तक आता है। फिर कंडेंसर में अवस्था परिवर्तन होता है, जैसा कि हम लोग देखे हैं कि जब कंप्रेसर से हमको रेफ्रिजरेंट मिलता है तो सुपर हीटेड स्टेट में होता है, अति तप्त अवस्था में होता है, वो आता है किसमें, कंडेंसर में आता है। कंडेंसर क्या काम करता है, पहले उसको सेचुरेटेड स्टेट तक लाता है यानी संतृप्त अवस्था तक, फिर उसको अवस्था परिवर्तन करता है यानी सेचुरेटेड वेपर को कहाँ कन्वर्ट कर देता है, फिर सेचुरेटेड लिक्विड में, सेचुरेटेड टेम्परेचर लाता है। फिर कंडेंसर में अवस्था परिवर्तन होता है यानी अवस्था परिवर्तन यानी सेचुरेटेड लिक्विड अब बन जाएगा सेचुरेटेड, सॉरी सेचुरेटेड वेपर बन जाएगा सेचुरेटेड लिक्विड में। कंडेंसर पूरी हीट निकाल कर रेफ्रिजरेंट को सेचुरेटेड लिक्विड के अवस्था तक ले आता है। अब कंडेंसर को दिया गया यानी कि कंडेंसर, सॉरी कंडेंसर से अगर जो निकाली गई ऊष्मा हम लोग निकालना चाहें तो QC बराबर लिख सकते हैं H2 - H3, यानी कि अवस्था दो पर एंथैल्पी माइनस कर दें अवस्था तीन पर एंथैल्पी। आगे देखते हैं एक्सपेंशन वाल्व को। एक्सपेंशन वाल्व कहाँ लगा होता है, प्रोसेस तीन से चार के बीच में। क्या काम करता है ये, एक्सपेंशन वाल्व में हाई प्रेशर के लिक्विड को गुजारते हैं जिससे ना तो हीट एक्सचेंज होता है और ना ही वर्क, यानी कि हीट ना तो एटमॉस्फियर से एक्सपेंशन वाल्व में अंदर आती है ना ही एक्सपेंशन वाल्व से बाहर हीट जाती है एटमॉस्फियर में, और ना ही इसको कार्य देना पड़ता है ना ही कार्य हमको मिलता है। इसमें एंथैल्पी लगभग एक समान होती है, चूंकि एंथैल्पी समान होती है इसलिए प्रोसेस तीन से चार को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। इस प्रक्रिया को थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। अवस्था चार पर रेफ्रिजरेंट बहुत लो टेम्परेचर तथा लो प्रेशर पर लिक्विड और वेपर के फॉर्म में होता है, चूंकि प्रोसेस तीन से चार आइसेंथैल्पिक है, यानी कि अवस्था तीन और अवस्था चार पर एंथैल्पी क्या होगी, हमारी समान होगी, अवस्था तीन और अवस्था चार की एंथैल्पी समान हो जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग इवेपोरेटर को। इवेपोरेटर कहाँ पर लगा होता है, प्रोसेस चार से एक के बीच में। यहाँ पर लिक्विड और वेपर फेज का जो रेफ्रिजरेंट होता है इवेपोरेटर कॉइल में प्रवेश करता है, जहाँ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देना होता है, जहाँ पर हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देना होता है वहीं पर हम इवेपोरेटर कॉइल को ले जा करके लगा देते हैं। इवेपोरेटर को वहाँ की एयर इवेपोरेटर कॉइल से पास कराई जाती है, जहाँ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देना होता है वहाँ की एयर कहाँ पर आती है, इवेपोरेटर कॉइल से टकराती है, जिससे एयर अपनी उसमें ऊर्जा रेफ्रिजरेंट को दे देती है। रेफ्रिजरेंट फेज चेंज करता है यानी कि सेचुरेट, सॉरी वेप लिक्विड और वेपर दोनों फेज के थे रेफ्रिजरेंट, अब ये कहाँ पर पहुँच जाएंगे, सेचुरेटेड वेपर में। फेज चेंज करता है तथा एयर का टेम्परेचर कम हो जाता है।
इवेपोरेटर के अंत में रेफ्रिजरेंट पूर्णतः वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड कुछ भी नहीं बचता। जितनी उसमें ऊर्जा इवेपोरेटर में एब्जॉर्ब की जाती है वही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। अब इवेपोरेटर को कितनी हीट ऐड हुई इवेपोरेटर में उसको निकालना चाहें, या इसी को हम क्या बोलते हैं क्यूई, यानी कि इवेपोरेटर में हीट कितना ऐड हुआ, या इसी को बोलते हैं हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इसको हम निकालना चाहें तो H1 - H4 लिख सकते हैं, यानी अवस्था चार की एंथैल्पी माइनस कर दें अवस्था एक की एंथैल्पी माइनस कर दें अवस्था चार की एंथैल्पी, बराबर लिख सकते हैं हम लोग H1 - H3। चूंकि हम लोग जानते हैं कि H4 = H3 होता है, इसलिए इसको हम H1 - H3 भी लिख सकते हैं। अब इसका हम कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस या COP को देखना चाहें तो COP बराबर क्या होता है, जितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमको मिलता है बटे कर दें जितना कार्य हमको देना पड़ा। तो कार्य हम लोग कहाँ पर दिए हैं, कंप्रेसर में। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ पर मिला हमको, इवेपोरेटर। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अभी हम लोग निकालें कितना है, H1 - H3 बटे में कर दें कंप्रेसर को दिया गया कार्य, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं H2 - H1। थैंक यू, वंदे मातरम।